हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिम्स बर्ड एक्सोटिक। मेरा नाम है मोहम्मद अवेस। आज के इस वीडियो में हम आपको दो बर्ड के बारे में बताने वाले हैं। ये बर्ड मेरे पास में बोर्डिंग के लिए आए हैं। ये बर्ड मेरे फ्रेंड है एक, और मेरे क्लाइंट भी है, उनके बर्ड्स है। इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दो अलग स्पीशीज़ के बर्ड हम छोटे एज से भी साथ में रखेंगे, तो उन दोनों में बॉन्ड बन सकता है। ग्रीन चिक कॉर्नियर वगैरह की जो स्पीशीज होती है वो दूसरे कोई बर्ड के साथ में जल्दी एडजस्ट नहीं करती है। बट आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये एक ब्लू चिक कॉर्नियर है और ये एक सन कॉर्नियर है, और दोनों साथ में रहते हैं, एक केज में रहते हैं। इसकी वजह ये है कि ये दोनों जो बर्ड जब लिए गए थे तब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एज के थे, दोनों सेम एज के थे। इसके लिए वो तो ये दोनों बर्ड एक साथ में बॉन्ड हो गए। अगर आप बर्ड को छोटी एज से, मोस्टली जब वन टाइम सपोर्ट फीडिंग पे रहे या हैंड फीडिंग पे रहे या बहुत 3-3.5 मंथ्स का होगा उसके साथ में रखोगे, तब से साथ में रखोगे, तो पॉसिबल है कि वो दो बर्ड साथ में रहे। नॉर्मली जो छोटे कॉर्नियर्स होते हैं वो जल्दी किसी के साथ में रहते नहीं है, वो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। बट आप इस वीडियो में आप जिस तरीके से देख रहे हो कि दोनों बर्ड भी साथ में इजीली रह रहे हैं। ये दोनों बर्ड मेल है, अलग अलग दोनों का डीएनए सर्टिफिकेट है। सन कॉर्नियर देख सकते हो, सन कॉर्नियर का जो एज है अबव 1 ईयर का है। आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है, आप देख सकते हो ये अबव 1 ईयर का है और कलर काफ़ी अच्छा हो चुका है। और ये ब्लू चिक कॉर्नियर जो है ये भी अबव 1 ईयर है। कम ऑन, एकदम टेम बर्ड्स हैं। आ जाओ बेटा, गुड। ये देखिए कलर देखिए इनका कितना ब्यूटीफुल है। इसका भी एज ऑलमोस्ट उतना ही है जितना सन कॉर्नियर का है। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि आपको बताऊं कि दो अलग स्पीशीज के बर्ड भी साथ में रह सकते हैं अगर छोटे एज से रखे जाए तो। बट ये आपस में मेट नहीं करेंगे, ये आपस में ब्रीड नहीं करेंगे। अगर जेंडर मेल फीमेल भी होता तो वो मेटिंग करते थे, बट एडवाइजेबल नहीं होता है। ये दोनों सेम जेंडर के बर्ड है तो ही आप रख सकते हो, क्योंकि अगर आप दोनों अलग स्पीशीज में ब्रीड कराना की ट्राई करोगे तो अनसक्सेसफुल होगा, बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकता है, होने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज है। तो एडवाइजेबल ये है कि सेम स्पीशीज में ब्रीड कराई जाए। और ये दोनों आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं, दोनों बहुत साथ में खेलते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड हैव अ नाइस डे।